हे गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा एंड आई थिंक एज अ स्टूडेंट अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो द थिंग इज़, आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड फ्यूचर में IIT जाना चाहते हो या फिर जो लोग ऑलरेडी IIT मिल गया उन लोगों को अभी तो जून चल रहा है, जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट से उनका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फॉर देम। कुछ चीज़ ऐसे होता है जो IIT के बारे में कोई लोग नहीं बोलते, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा कि कुछ अनटोल्ड ट्रूथ होता है IIT के बारे में जो आपको नहीं पता है, एंड अगर वो चीज़ आपके साथ हो जाए तो योर लाइफ विल बी एट अ वेरी रिस्की कंडीशन। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा एंड आई फील आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। इफ़ आई टेल समथिंग अबाउट IIT, व्हाट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन दैट विल कम टू योर माइंड? आप जाके कमेंट में बताओ। आई होप आप लोगों के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें ऐसे आते रहेंगे इफ़ आई टेल समथिंग अबाउट IIT। तो द थिंग इज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग IIT इन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे, विच मीन्स इफ़ आई टेल समथिंग अबाउट IIT, बहुत लोगों के पास एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रहेंगे कि भाई तेरे को IIT मिल गया या तेरे तो लाइफ सेट, जिंदगी भाई तेरे को बिल्कुल सेट हो जाएगा, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यार। दिस इज़ द ऑप्टिमिस्टिक थाट दैट पीपल यूजुअली हैव एंड आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ प्रिटी मच नॉर्मल एंड आपको होना चाहिए। तो अगर आपको गेट क्रैक करने के बाद IIT मिल गया तो ये थॉट आपके दिमाग में ज़रूर आएगा, एंड नॉट ओनली यू, आपके आसपास में जो लोग होते सब के पास ये थॉट ही रहेगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट टू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट, बट दिस काइंड ऑफ थॉट कैन रूइन योर लाइफ। वाई, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द थिंग इज़, जो लोग IIT जाते हैं द फर्स्ट मोमेंट, द वेरी फर्स्ट मोमेंट वो जब IIT में एंटर करते हैं, दिस इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितना लोग IIT में हर साल जाते हैं सब लोगों के पास इस टाइप की थॉट होते एंड दैट्स प्रिटी नॉर्मल। एंड फास्ट फॉरवर्ड कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब IIT आपको ख़त्म होने वाला है, जो इस पीरियड ख़त्म होने वाला है, आपके हाथ में ना तो है जॉब, ना तो है कोई अच्छे CPI, अच्छे मार्क्स, ना तो है कोई अच्छे प्रोजेक्ट, ना तो है अच्छा रिसर्च, आपके पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यू हैवंट यूटिलाइज्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। इस पीरियड आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विल हैपन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। आपको अगर ज़िंदगी बदलना है, जो मैंने पहले बताया, आपको ज़िंदगी तो बदल जाएगा, सब कुछ आपको लाइफ तो चेंज हो जाएगा, तो अगर वो चेंज आपको लाना है you have to work on that. That's why I told कि ये optimistic सोच, optimistic thought लोगों के पास होना ज़रूरी है, normal है, but इस type की thought को reality में convert करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा। I'm not talking about any particular branch, मैं हर branch की student के लिए ये बात कर रहा हूँ कि if you are going into IITs, आप ये सोच मत रखो कि आपके पास अच्छी जॉब होंगे, अच्छी नौकरी होंगे, आपका लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगा, बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू हैवंट पुट एनी ऑफ योर एफर्ट, आपका लाइफ वही स्टैग्नेंट पूल पे रह जाएगा। सो दिस इज़ द बिटर ट्रूथ, कोई आपको नहीं बोलते, कोई आपको नहीं समझा देते, एंड दैट्स वाई लोग IIT में जाके ये चीज़ में फंस जाते कि यार IIT में जाके तो आपके पास बहुत कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपके है स्पोर्ट्स, आपके है एंटरटेनमेंट, आपके सामने बहुत कुछ है, आप चाहे जो कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। एंड फास्ट फॉरवर्ड जब आप उस IIT से निकल लोगे तो आप देखोगे कि आपको जो करना चाहिए था, आप जिसकी वजह से IIT में आए हो, आप उस चीज़ को ही भूल गए हो, आप किसी और चीज़ किया एंड योर लाइफ इज़ जस्ट रूइनिंग। सो दिस इज़ जस्ट अ ट्रू फैक्ट। मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरा इंटायर जर्नी के दौरान मैंने बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, बहुत लोगों को सामने से देखा कि कैसे वो उनका लाइफ एकदम स्टार्टिंग से एंड तक ख़त्म हो गया, लिटरली ख़त्म हो गया, उसके पास कुछ है ही नहीं। एक IIT डिग्री के बिना क्या करोगे आप? IIT डिग्री लेकर कितना जॉब आपको मिलेगा? अगर आपको ठीक से स्किल्स नहीं आते, ठीक से जो आपको करना चाहिए था IIT में वो आप नहीं करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा, लिटरली आपके पास कुछ नहीं रहेगा। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट आई हैव टू से। आपको सुनने में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ द रियल फैक्ट। IIT आपको जॉब नहीं देने वाला है, IIT आपको ज़िंदगी बदल नहीं कर सकते। IIT आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? IIT आपको ढेर सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। IIT आपको कंपनीज़ ला के देंगे, भाई इस टाइप की कंपनीज़ 300 से ज़्यादा कंपनीज़ आपके लिए है, तू बैठ इस कंपनी पे। लेकिन जॉब आपको लेना है, आपको फेच करना है वो जॉब। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट पॉइंट वो लोग हैं, आपको क्यों छोड़ेंगे? IIT आपको सब कुछ देंगे, IIT आपको स्पोर्ट्स देंगे, IIT आपको एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी देंगे, IIT आपको वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ भी देंगे। लेकिन यूज़ तो आपको करना है ना। आप अगर ठीक से वो चीज़ यूज़ नहीं करोगे, आपको जो करना चाहिए था ज़िंदगी में वो आप अगर नहीं यूज़ करोगे, इस इंटायर गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम पे आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम आप सोचोगे कि काश हम ये चीज़ यूटिलाइज कर पाते, इफ़ आई कुड हैव डन दिस थिंग बेटर, मेरा लाइफ और ज़िंदगी बदल सकती है। सो दिस इज़ द फैक्ट। IIT इज़ नॉट जस्ट अबाउट job or IIT is not just about something related to infrastructure. IIT is about everything. IIT आपको बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बट किसी चीज़ के लिए आपको गारंटी नहीं देंगे कि आप IIT आए हो तो आपके पास ये चीज़ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ IIT से जब आप बाहर जाओगे, आपके पास एक alumni कार्ड और एक IIT डिग्री बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ये सब चीज़ मैंने बहुत देखा है। मैं किसी रूम पे देख रहा हूँ कि यार उनका बहुत अच्छा जब लग गया प्लेसमेंट पे, किसी और रूम का देख रहे हो कि दे आर लिटरली क्राइंग, दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। जिस हॉस्टल का, जिस रूम से आपका सपना देखना स्टार्ट होता है जब आप पहली बार IIT जाओगे, उसी सेम रूम पे अब जाके विल बी लिटरली क्राइंग इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एनी काइंड ऑफ जॉब। एंड उस टाइम कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या करोगे आप? आपको तो जो इंटर वैल्यूएबल पीरियड ऑफ टाइम वो तो चला गया, वो नॉट एलिजिबल टू डू एनीथिंग। एंड आपको ये मौका लाइफ में एक बार ही आता है। आप बीटेक करो, एमटेक करो, एक बार ही तो करोगे ना। IIT में आप कितने बार जाओगे? एक बार ही जाओगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ज़िंदगी एकदम मतलब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू वांट आप ज़िंदगी में बहुत आगे भी बढ़ सकते। आपका अगर लाइफ ख़त्म भी होने वाला है, लेकिन आप फिर भी उठ सकते इफ़ यू वांट, इफ़ यू वर्क रियली हार्ड। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी का अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ यूर्स। एंड यू आर दैट बंच ऑफ मोस्ट ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड गिफ्टेड स्टूडेंट्स जिसका IIT में सिलेक्शन हुआ, एंड यू आर वेस्टिंग दैट। जो लोग इस एक सीट के वजह से इतनी मेहनत कर रहे, JEE के टाइम इतनी मेहनत कर रहे, GATE के टाइम इतनी मेहनत कर रहे, उस एक सीट की वजह से, एंड यू आर दैट लकीस्ट पर्सन कि आपको आपकी मेहनत की वजह से वो सीट मिला, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट। तो मैं इस वीडियो से मतलब बहुत सीरियस बातें हो गए, तो इस वीडियो से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप IIT जब जा रहे हो या फिर जो लोग IIT जाना चाहते हो, इस माइंडसेट से जाओ कि आप जितना मेहनत कर रहे हो IIT में एक सीट पाने के लिए, उससे 10 गुना मेहनत करना होगा IIT जाने के बाद। ये सोच आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि IIT जाने के बाद तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। IIT आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, रिसर्च हो, क्लासरूम हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्टिंग कल्चर है, वहाँ पे सब कुछ है। ड्रामेटिक्स क्लब, म्यूज़िक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, रोबोटिक्स क्लब, बहुत कुछ है। लेकिन जो चीज़ आपको करना चाहिए, उसी चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से एंड मेहनत से करना होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आपको अगर कोडिंग करना है, आपको अगर अच्छी जॉब निकलना है, तो आप वो करो ना IIT जाके। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपको अगर रिसर्च करना है, IIT में जाके बहुत आगे बढ़ना है रिसर्च में, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी जाना चाहते हो उस रिसर्च के वजह से, तो आप रिसर्च में ध्यान दो ना, इसी अलग चीज़ पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। डोंट जस्ट वेस्ट योर गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण ईयर है एंड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पीरियड ऑफ टाइम है, एंड आपकी ज़िंदगी में इस टाइप की इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम कभी नहीं आने वाला है। तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो यूटिलाइज करो इस मौके को, डोंट जस्ट वेस्ट इट। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से दिस वीडियो। तो आई होप आप समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है IIT में एक सीट लाना, एंड कितना इंपॉर्टेंट है IIT में सर्वाइव करना, एंड IIT से निकलना भी कितना इंपॉर्टेंट है विद अ वेरी गुड जॉब एज वेल एज अ वेरी गुड करियर। तो बस दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ नए चीज़ लेकर। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।